नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे हेलो। साथ है विशेष शिक्षक उमेश माहेश्वरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी। उमेश जी के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ आपको, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें। आप बतौर प्रधानाचार्य न केवल अपने स्कूल में एक बहुत ही प्रेरक शिक्षक के नाते आपने काम किया है, बल्कि जब आपको शासन ने, जब सरकार ने आपको एक जिम्मेवारी दी कि आप एक पंचायत स्तर के अधिकारी बनकर एक एक ऑफिशियल के नाते आपको काम करने का जब अवसर मिला, तो आपने अपने काम से न केवल लोगों को इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया, बल्कि कुछ ऐसे ऐसे लोग किए जिसका आने वाले समय में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और अभी भी उसका असर देखने को मिल रहा है। हम जानेंगे कि उमेश जी कैसे काम करते हैं शिक्षकों के बीच में। सर, स्वागत है फिर से दोबारा से आपका, और आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, इसके लिए आभार भी। आपका भी। अभी कोरोना का काल चल रहा है, क्या कर रहे हैं इन दिनों? कोरोना के काल में खास तौर से हम हमारे शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं कि वो किस तरह से अच्छी तरह से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बच्चों को दे पाए, उसके लिए हम उनके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करवा रहे हैं, वन लाइनर भी तैयार करवा रहे हैं, और छोटे छोटे वीडियो के लिए भी सबको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि कोरोना काल में बच्चों से हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकें और उनको जो चीज हम क्लासरूम में देना चाहते हैं वो ऑनलाइन देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही तो स्माइल अभी कार्यक्रम जो जी जो राज्य सरकार की तरफ से स्माइल का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसकी भी हम प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम क्या है सर, थोड़ा सा बताएंगे? स्माइल कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों को शैक्षिक सामग्री के वीडियो दिए जाते हैं और शनिवार को उनका मूल्यांकन किया जाता है, और साथ ही एक हवामाल कार्यक्रम चलता है जो बच्चों के लिए काफी रोचक और उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे बुजुर्गों के साथ जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे वो हवामहल के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, और वो कहानियां मैंने भी उनको बहुत ध्यान से देखा है तो हर कहानी में अपनी एक बहुत ही बड़ा मैसेज छिपा हुआ है, बहुत ही बड़ा मॉरल वैल्यू छिपा हुआ है। जी 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 ये काफी रोचक है। और हम अपनी बातचीत के जो आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें मूल रूप से जो हम जानना चाहते हैं, सर, बतौर प्रधानाचार्य आपने एक लंबे समय तक अपने स्कूल में काम किया है, मुझे एक ऐसा हमेशा महसूस होता है कि हमारे शिक्षक बहुत काम करते हैं लेकिन कई बार उनको वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम अगर अच्छी बातें शेयर करेंगे तो पता नहीं कौन डिस्करेज कहीं ना कर दे। ये टीचर्स मोटिवेशन के राउंड में आपने बहुत काम किए, मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव। रंजन जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा जो सरकारी तंत्र में शिक्षक है बहुत ही योग्य है, प्रतिभाशाली है और उसमें काफी दक्षता है, परंतु उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और मोटिवेशन नहीं मिल पाने के पीछे जो मूल कारण होता है, संस्था प्रधान द्वारा अपने शिक्षकों को समय समय पर जो मोटिवेशन की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाने के कारण शिक्षक निराश हताश हो जाता है, और अच्छा शिक्षक भी धीरे 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 एवरेज होकर रोटन शिक्षक की तरफ चला जाता है। जबकि अगर मोटिवेशन दिया जाए तो हर शिक्षक अपने जो दक्षता है उससे ज्यादा करके दिखा सकता है, और मैंने यही प्रयास किया कि हर शिक्षक को अच्छा से अच्छा मोटिवेट किया जाए और शिक्षक की छोटी से छोटी उपलब्धि को ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों के बीच में उनको सम्मानित करके बताया जाए ताकि उस शिक्षक का आत्मबल बढ़े और वह अपना कार्य जितना उसकी क्षमता है उससे ज्यादा करके दिखा सके। ऐसा नहीं है कि शिक्षक से गलती नहीं होती है, कुछ शिक्षक से अगर मान लो कोई गलती भी होती है तो उन्हें बिल्कुल एकांत में अलग से बैठा कर उनके परिस्थिति को जानने के बाद उनको केवल सुझाव के रूप में समझाया जाता है कि अपने को ये इस तरह से नहीं करके इस तरह करना था, आगे से आप और हम मिलकर इस तरह से करेंगे, तो वो काफी खुश होते हैं, उनकी गलती को भी वो शॉर्ट आउट कर लेते हैं और साथ ही साथ रेक्टिफाई करके अपने प्रदर्शन को और ज्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में उमेश माहेश्वरी जी हैं अभी साथ में, और सर अभी उदयपुर में आप कार्यरत हैं,
और उदयपुर में एक जो हमारा ट्राइबल एरिया है, आप वहां पे काम करते हैं, और न केवल आप स्कूल के लेवल पे काम किया है बल्कि आपने स्कूल के बाहर में भी राजस्थान सरकार के बतौर अधिकारी के नाते आपने कई सारे स्कूलों के साथ काम किया है। और आज हम सर से अप्रोच के बारे में कुछ बातें करेंगे कि बतौर अधिकारी, बतौर एक प्रिंसिपल, एक हेड टीचर इनफैक्ट जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि क्या करना चाहिए। और उसमें से सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई अभी कि आप शिक्षकों की बातें सुनते थे और शिक्षकों के बारे में अगर कोई फीडबैक भी देना हो तो व्यक्तिगत तौर से देते थे। सर, व्यक्तिगत तौर से फीडबैक देना और सार्वजनिक तौर से फीडबैक देना, इसमें ये थोड़ा भेद आप बताएं, ये समझाएं कि ऐसा आप क्यों करते थे, आपका ये अप्रोच क्यों था। व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देना निश्चित रूप से उस शिक्षक का गरिमा और सम्मान बनाए रखने के इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी भी स्थिति में शिक्षक की गरिमा और सम्मान को ठेस न पहुंचे, और जो उनमें कमी है निश्चित रूप से काम करते हैं, कुछ कमियां रह सकती है, कुछ काम करने का तरीका कमजोर हो सकता है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो उनको जब हम अलग से बैठा के जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हीं के माध्यम से भी हमें काफी अच्छा तरीका मिलता है, और हम भी जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम और वो दोनों मिलकर एक अच्छी तरह से नई शुरुआत करते हैं, और वो पुरानी जो कमी रह गई है वो कमी हम दूर कर सकते हैं। तो ये अगर व्यक्तिगत हम निर्देश देंगे कमी होने पर, तो निश्चित रूप से शिक्षक की गरिमा और सम्मान बना रहेगा, और हर शिक्षक जो चाहता है वो यही चाहता है कि उसका गरिमा और सम्मान बना रहे ताकि वो ज्यादा अच्छा कर सके। ये करने से सर आपको क्या व्यवहारिक बदलाव आपको देखने को मिले? इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने पूरा मन लगा के जब काम किया, तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे जिनको हम कहते थे कि ये हमारा सबसे टॉप मार्क्स है और ये हमारा सबसे एवरेज मार्क्स है या सबसे बिलो मार्क्स है, तो जो हमारी परिभाषा थी उसमें बदलाव आया। जब शिक्षक को अच्छा वातावरण मिलता है तो निश्चित रूप से वह अच्छा काम करता है, और अच्छा काम का प्रभाव उनके बच्चों में परिलक्षित होता है। पहले हमारा जो बच्चा सबसे टॉप मोस्ट होता था, जितना उसका अधिगम स्तर होता था उतना अधिगम स्तर जब हमने टीचर्स को जो मोटिवेट किया, टीचर्स को हमने व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया, उनको बरोबर सकारात्मक माहौल दिया, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो टॉप लेवल का जो हमारा स्टूडेंट होता था, जिसका जो अधिकम स्तर होता था, वो अधिकम स्तर अब एक सामान्य से नीचे वाले बच्चे का वो अधिकम स्तर आने लगा, और जो टॉप मोस्ट बच्चा है वो लगभग लगभग 100% के आसपास पहुंच गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। और चूंकि इस वर्तमान पद से पहले मैं आदिवासी बेल्ट में कार्यरत था, तो वहां पर मेरा जो बेल्ट था उसमें 100% एसटी बेल्ट था, जिसमें 100% विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के होते थे। तो उन अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याएं होती उनकी, और उन समस्याओं के अंदर उन बच्चों को आगे बढ़ाना थोड़ा चैलेंजिंग था, परंतु मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, और टीम के साथियों को जब उचित मार्गदर्शन मैंने प्रदान किया तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और हमारा जो ट्राइबल बेल्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चे का बरोबर विद्यालय नहीं पहुंचना, तो विद्यालय बच्चे बरोबर आने लगे, और बरोबर आने का परिणाम ये हुआ कि बच्चों में ड्रॉपआउट में कमी आई, क्योंकि जब विद्यार्थी बरोबर विद्यालय आता है तो निश्चित रूप से उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसका गृह कार्य समय पर होता है और उसकी लर्निंग जो है इफेक्टिव रहती है, तो ऐसे स्थिति में कभी भी वह ड्रॉपआउट की तरफ नहीं जाता है। जब विद्यार्थी अनियमित होता है तो उसके ड्रॉपआउट होने की संभावना बढ़ जाती है, और यह हमारे खास तौर से ट्राइबल बेल्ट की सबसे बड़ी समस्या थी, वो इस माध्यम से हमारी दूर हुई, क्योंकि शिक्षकों का अच्छा वातावरण मिला तो उन्होंने बच्चों को अच्छा वातावरण दिया, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि ड्रॉपआउट में हमारी व्यापक कमी आई, एबसेंट रहने वाले बच्चों में बहुत कमी आई। बिल्कुल, एक जो चीज जो आपके बारे में जब मैं एक सर्च कर रहा था, जो मुझे जानकारी मिली कि आप स्कूलों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, ये कैसे करते हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि इसके लिए ये क्यों जरूरी मानते हैं और क्या क्या करते हैं हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए। हेल्दी कंपटीशन निश्चित रूप से हर प्रतिभा को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और हेल्दी कंपटीशन के लिए
जब हमने वातावरण तैयार किया तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षक जो आज कर रहा था उसकी तुलना में ज्यादा कर पाया। तो हमने एक हेल्दी कंपटीशन देने के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास था, क्योंकि हमारी पंचायत के अंदर मेरे विद्यालय के अलावा 4 विद्यालय और थे, जिनमें एक मिडिल स्कूल था और 3 प्राइमरी स्कूल थे। तो यहाँ पर 5वीं क्लास सभी में चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमने प्रयास किया कि 5वीं क्लास के लिए हम कुछ विशेष करें, और 5वीं क्लास में हमने विशेष करने के लिए हर एक स्कूल से हमने ये सेलेक्ट किया कि कौन हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। तो एक विद्यालय था जिसका नाम है उपलाफला, वहां से हमें पीयूष जी 24 मिले, जो गणित के बहुत ही अच्छे जानकार थे, उनको हमने हमारे साथ लिया। फिर हमारे को मेघातफला से कल्पेश गर्ग मिले, जो अंग्रेजी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनको हमने साथ लिया। इसी तरह एक विद्यालय जो हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय था, वहां से हमने श्रीमती सुरज शर्मा को साथ लिया, वो हिंदी की बहुत अच्छी अध्यापिका थी, खेरकी विद्यालय से, तो उनको हमने साथ लिया। और हमारा जो विद्यालय था वहां से हमने पर्यावरण की शिक्षिका को हमारे साथ में लिया। और इन चारों को साथ में लेकर हमने पहले चर्चा की कि किस तरह से हम हमारे इस अंचल का शैक्षिक स्तर, अधिकम स्तर बढ़ाएं, ताकि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं हो कि बच्चा 5वीं पास कर गया पर उसको ये चीज नहीं आती है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमने आपस में चर्चा की। चर्चा करने के बाद एक बार तो हमने ये इन सबको मार्गदर्शन दिया कि भाई अपने को इस तरह से काम करना है, तो सब ने अपने अपने सुझाव रखे। तो हमने हर एक शिक्षक को एक जिम्मेदारी दी कि हमारे पास जितना कोर्स है उस कोर्स के अंदर से अपने को प्रत्येक पाठ में से 25-25 प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक शब्दों में आता हो, ताकि बच्चों का डीप नॉलेज हो जाए। तो हर एक शिक्षक ने वही काम किया, और उन प्रश्नों को तैयार करने के बाद, जैसे मान लो 10 पाठ है किसी में, तो 250 प्रश्न तैयार हुए। तो हमारा एक तरह से क्वेश्चन बैंक बन गया, और उसी के साथ साथ उसमें उत्तर भी समाहित थे। तो इन सब से हमने 10 दिन हमने इस कार्य के लिए दिए, और उन्होंने अपना अपना, हर एक ने अपना अपना जो विषय था उसका इस तरह से क्वेश्चनिंग और आंसर तैयार करके मुझे दिया। फिर मैंने उनके 5 सेट बनाए, और 5 सेट बना के हर एक विद्यालय को दिए, और उनको ये टारगेट दिया कि ऐसे 1 का हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो हमने देख लिया है, अब हमें ऐसे 2 में बहुत अच्छा करके दिखाना है। तो ऐसे 2 की तैयारी अपन इस माध्यम से करते हैं। तो उनको 15 दिन का समय दिया गया, और 15 दिन में जब हमने इस कार्य को किया तो ऐसे 2 का होना अभी शेष था, क्योंकि उसमें समय था, करीब 1 महीना बाकी था, परंतु 15 दिन में हमारी तैयारी बहुत व्यापक स्तर पर बहुत अच्छी तरह से हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमने पंचायत स्तर पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, और उस क्विज प्रतियोगिता के लिए हमने हर एक विद्यालय को कहा कि भाई आप अपने वहां पर जो क्वेश्चन बैंक बच्चे रेडी कर चुके हैं 5वीं कक्षा के, उनमें कंपटीशन कराएं, और 2 अच्छे बच्चे चयनित करके ग्राम पंचायत स्तर पर लेकर आए। तो हर एक विद्यालय ने यही कार्य किया, वहां पर उन्होंने क्विज कंपटीशन कराया, और उसमें से दी बेस्ट जो बच्चे थे उनकी विद्यालय के, 2 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हमने उनको 5 दिन और दिए कि अब इन जो आपके बच्चे सेलेक्ट हो गए इनको 5 दिन और तैयारी कराओ। और फिर बाद में 5 दिन बाद हमने ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में एक कंपटीशन का आयोजन किया। और उस आयोजन में आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया ही, शिक्षकों ने भी भाग लिया, और साथ ही साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। और इस कंपटीशन के दौरान हमने जो बच्चों को सीट का अलॉटमेंट जो किया, जो टीम ABCDE बनाई, उसका चयन भी लॉटरी द्वारा किया। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि ए टीम कौन सी बनेगी, पहले से प्री डिसाइड नहीं करा, वहां पर हमने लॉटरी की सहायता से उन टीमों का निर्णय किया। फिर बाद में हमारे जो कार्यक्रम के अतिथि थे, तो हमने हर एक, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, पर्यावरण है, तो उनके अंदर जितने जितने प्रश्न थे
उन प्रश्नों के नंबर का हमने कटिंग करके रखा हुआ था डिब्बी के अंदर। तो जैसे गणित का सेशन चालू हुआ तो गणित के अंदर हमारे जो वहां पर अतिथि बैठे हुए थे उनसे हमने प्रश्न लिखलाए लॉटरी सिस्टम से, और वह जिस क्रम में निकाले गए उसी क्रम में हमने टीमों के सामने प्रेजेंट किए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा कार्य हो और हमारा स्कोर बोर्ड भी बरोबर मेंटेन रहा, और साथ ही साथ टीम को ये रहा कि हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो किसी भी तरह से चीटिंग किया हुआ नहीं आ रहा है, हमने तैयारी की है और हमारा जो क्रम आया है उस क्रम पे जो प्रश्न आया है वो हमें मिल रहा है। तो अध्यापकों में भी एक बहुत अच्छा संतोष था कि हमारे साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हो रही है, कोई प्री डिसाइडेड कार्यक्रम नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और जब हमने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न किया तो हर एक विद्यालय के जो गुरुजन थे वहां पर वो काफी खुश थे, क्योंकि उनको काफी कुछ इसमें नया देखने को मिला और उनके बच्चे भी काफी खुश थे, क्योंकि एक नए मंच पर इस तरह की चर्चा हुई, इस तरह का कंपटीशन हुआ और हर एक विद्यालय जो है बच्चे नहीं खेल रहे थे, एक तरह से विजेता जो घोषित किया गया था विद्यालयों को घोषित किया गया था, तो जो शिक्षकों की भावना थी कि वो विद्यार्थियों के साथ इसलिए जुड़े हुए थे कि हमारा विद्यालय जीते, तो वो भावना हमने वहां पर उस परिणाम के अंदर परिलक्षित की और विद्यालयों को हमने सम्मान दिया, उन बच्चों को तो हमने सम्मान किया ही किया, साथ ही साथ विद्यालय को भी प्रथम द्वितीय तृतीय घोषित किया, और जिन शिक्षकों ने हमें इस कार्य में सबसे ज्यादा सहयोग दिया उनको भी हमने सम्मानित किया, उनको मेडल प्रदान किए। तो ऐसा एक अच्छा माहौल में यह हमारे कार्यक्रम संपन्न हुआ, और उस कार्यक्रम के बाद हर एक शिक्षक की यही भावना थी कि ऐसा कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर भी होना चाहिए, और हमने जो ग्राम पंचायत स्तर पर किया है ऐसा वर्ष में एक से अधिक बार होना चाहिए ताकि हमारी प्रतिभाएं सामने आ सके। फिर हम सब ने आपस में ये भी निर्णय किया कि अगली बार हम जब इस तरह का आयोजन करेंगे तो खेलों का आयोजन भी हम ग्राम पंचायत स्तर पर करेंगे, और इससे क्या होगा कि पूरे गांव की जो प्रतिभा है वो एक साथ हमारे सामने आ सके। बिल्कुल, ये हमने थोड़ा काफी व्यवहारिक चीजें आप बता रहे हैं, और जो जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं या जो शिक्षक जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, आपके लिए उमेश जी एक आइडिया दे रहे हैं। आइडिया क्या है? पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अंतर विद्यालय, और अंतर विद्यालय इसलिए क्योंकि पंचायत के स्तर पे जो है गांव जो है एक पंचायत में सब लोग गांव आस पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर बच्चों को ले नहीं जाना है, तो पंचायत स्तर के ऐसे 5-10 गांव स्कूलों के बीच में एक अच्छी प्रतियोगिता हो सकती है और उसमें सारे बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं आसानी से, और ऐसे प्रतियोगिताओं से विद्यालय का बहुत विकास होता है, और उसके बहुत सारे आपने एग्जाम्पल दिया, और ये हमारे जो अधिकारीगण है उनके लिए एक बढ़िया आइडिया है। उमेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा जब हमने किया तो अभी तक क्या होता था विद्यालयों के टीचर्स के बीच में भी थोड़ी बहुत खींचतान रहती थी चाहते न चाहते हुए, परंतु यहाँ पर हर एक टीचर जो है एक दूसरे का सहयोगी बना, और जो टीम होती है वो पूरे ग्राम पंचायत स्तर की टीम हो गई, तो वो टीम ने जब मिलकर काम किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया। ये काफी अच्छा आइडिया है, और मुझे लगता है कि क्योंकि राजस्थान के बारे में मैं बता दूं जो हमारे साथ शिक्षक जो जुड़े हैं या जो देख रहे हैं कार्यक्रम, कि राजस्थान सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक पोस्ट का सृजन किया था, उसको पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ऐसा कहते हैं, और उसमें उसके बतौर आप अधिकारी के नाते वहाँ पे पूरे पंचायत में कैसे हमारा एक शैक्षिक क्रांति हो, एक बढ़िया व्यवस्थाएं बने, उसके लिए आप काम कर रहे थे, और वो भी एक वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे थे, एक ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे थे। और सर इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, मैं थोड़ा सा आप अपने जहां पे आपने काम किया इस ब्लॉक में जिस स्कूल पंचायत में, थोड़ा वहां की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी थोड़ा बताएं, ताकि लोगों को अंदाजा चले कि बहुत आसान नहीं था करना। मैंने जब यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि विद्यालय बिल्कुल एक तरह से अलग सा बना हुआ है, और जो गांव की जो बस्ती है वो हर एक पहाड़ी पर एक परिवार रहता है, तो बिल्कुल एक तरह से बिखरी हुई बस्ती होती है, और यहाँ पर जो आर्थिक स्तर है बहुत ही निम्न स्तर था, क्योंकि हर एक परिवार केवल मजदूरी से जुड़ा हुआ था, उनकी खेती के लिए भी उनके पास कोई उचित सामग्री नहीं थी ना उचित जगह थी।
तो ऐसी स्थिति में काफी विपरीत परिस्थितियों में वो पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे शुरू से ही ये ध्यान था कि काफी कुछ अपने को करना है और यहाँ के संसाधनों पर हमें सीमित नहीं रहना है, हमें यहाँ के संसाधनों के अतिरिक्त बाहर से भी हमें नए संसाधनों पर निर्भर रहना है और उनको हमें बाहर से अर्जित करना है। तो ये जो प्रयास हमने शुरू से किया उसका परिणाम ये हुआ कि हमें बाहर से भी काफी मदद मिली। उस गांव का चूंकि आर्थिक स्तर कमजोर था, परंतु हम जब लगातार लगे रहे तो जितने आसपास के गांवों से भामाशाह है या उदयपुर शहर के भामाशाह है वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का संकल्प किया। तो ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अगर ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं जो सर के बारे में जानते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो सर नहीं बता पा रहे हैं, आप अगर उनके बारे में जानते हैं तो जरूर हमें टाइप करके इस कमेंट में बताएं, और कुछ चीजें बताएं जो आपको लगता है कि आप किए तो थे लेकिन अभी आपने शेयर नहीं किया, जरूर बताइएगा। सर हमने अभी बात की टीचर्स मोटिवेशन के लेवल पे बात की, बतौर प्रधानाचार्य बतौर एक अधिकारी के नाते आपने काम किया, मोटिवेशन के कैसे हमारे टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ा रहे, उनके मान सम्मान की भी रक्षा हो सके, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके उस दायरे में आपने एक समझाया कि रास्ता क्या है, कि निंदा जो है सार्वजनिक नहीं करें, निंदा निंदा क्या मतलब उनके बारे में कोई गलत बातें ना करें, अगर कुछ आपको फीडबैक भी देना है तो पर्सनली दीजिए, प्रशंसा सबके सामने हो, ये एक अप्रोच पता चला। उसके बाद आपने हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया, ये एक चीजें हमें पता चली। सर एक एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज जो मुझे जानकारी मिली कि आपने एक अवधारणा कि ये कमजोर बच्चे हैं और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसको भी बदलने के लिए आपने कुछ काम किया है, और मुझे जो एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि उमेश जी का जो काम करने का तरीका है कि हमारा सबसे कमजोर बच्चा भी को भी लगभग चीजें आती हो, ये क्या है सर थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, कमजोर बच्चा कोई नहीं होता है, उसकी परिस्थितियों को हम जाने और निश्चित रूप से जब शिक्षक परिस्थितियों को जानेगा और उस बच्चे के साथ जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा न्याय कर पाएगा। हम बच्चे को कमजोर कहते हैं, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, उसकी परिस्थितियों को समझें, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करें। निश्चित रूप से जब हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चा मुख्य धारा में आएगा और उसकी जो कमजोरी का जो सिंबल लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा करने पर शिक्षक को भी एक बहुत अपना सम्मान बढ़ा हुआ महसूस होगा कि मैंने एक बच्चे को जो कमजोर था उसको मैंने होशियार बच्चे में कन्वर्ट किया है। और इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, उस बच्चे की परिस्थितियों को हम समझें और उसकी जो विपरीत परिस्थितियों में है तो उस विपरीत परिस्थितियों में हम किस तरह से उस बच्चे के साथ खड़े रहकर उसकी परिस्थितियों को हावी होने से बचा सकें, ये हमें करना होगा। तो मैं जैसे अपना शिक्षा क्षेत्र में मेरा जो पहला कदम है प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में ही हुआ है और मैंने थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी ग्रेड से क्रॉस होते हुए प्रधानाचार्यों का पद लिया है। तो मुझे हर क्षेत्र में निश्चित रूप से ये जानकारी है कहाँ क्या समस्या होती है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो मैंने विभिन्न विद्यालयों का जो हमारा अनुभव था और मेरे जो बड़े गुरुजन थे जो संस्था प्रधान थे उनका जो अनुभव था उन सभी को अपने साथ अपने विद्यालय में समाहित करने का प्रयास किया। जब हम अच्छी चीजों को समाहित करते हैं, एक विद्यालय से चार चीजें भी अगर लेते हैं और 10 विद्यालय में अपन रहे तो 40 चीजें हमारे पास नहीं हो जाती है। तो ऐसा जब हम सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से जिस भी विद्यालय में होंगे वहां पर हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे और जब हम अच्छा कर पाएंगे तो हमारे आसपास के विद्यालय को भी हम अच्छा प्रदान कर पाएंगे, उसमें कहने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो कर रहे हैं वो भी उसी रफ्तार से करना प्रारंभ करेंगे। हाँ, उनको अगर मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्रदान करेंगे। और इसी का उदाहरण है कि मेरे उपला फला क्षेत्र का जो प्राथमिक विद्यालय था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपला फला, जिसके संस्था प्रधान थे पीयूष जी चौबी सर, मेरे जाने से पहले वो अच्छा काम कर रहे थे नो डाउट, परंतु संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनकी जो क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार वो जितना चाहते थे उतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे साथ जब वो जुड़े तो उन्होंने पूरा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया
और हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे सीखा, मैंने भी उनसे काफी कुछ सीखा। और उनका विद्यालय आज जहां तक मैंने प्राथमिक विद्यालय देखे हैं उसमें सबसे अच्छा विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय के अंदर आप आश्चर्य करेंगे कि प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक का 2 कमरे हैं परंतु प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, एलईडी टीवी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, तो लाइव उनको दिखाया जाता है। साथ ही साथ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर पूरा फ्लेक्स लगे हुए हैं, तो उनकी किताब के अंदर जो कंटेंट है वो सब दीवारों पे लिखा हुआ है फ्लेक्स के अंदर। तो वहां बच्चों का जो अधिगम स्तर है बहुत ही ब्रिलियंट है, और छोटे छोटे बच्चों में इतना अच्छा नेतृत्व है कि वो अकेले अकेले भी पूरी प्रार्थना सभा को संचालित कर लेते हैं। और वहां के बच्चे जो है नवोदय की तैयारी करते हैं, और नवोदय की तैयारी जो उनकी गुरुजी है पीयूष जी चौबीसा, सर्दी की छुट्टियों में और दिवाली की छुट्टियों में निशुल्क रूप से अपने घर पे करवाते हैं। परंतु कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो इसका मेहनताना देना ही है क्योंकि आपने घर पे अतिरिक्त समय दिया है, तो वो जो मेहनताना है वो वहां पर न लेकर अपने विद्यालय में उसका डोनेशन करवाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हमें उनकी लगी, तो हमें भी काफी सीखने को मिला। इसी तरह मेरे एक पीओ क्षेत्र में शिक्षक थे श्री कल्पेश जी गर्ग। कल्पेश जी गर्ग यूट्यूबर थे, बहुत अच्छा उनका नॉलेज था डिजिटल नॉलेज, तो मैंने इस नॉलेज को उनसे थोड़ा सीखा। और साथ ही उनको भी मैंने कहा कि अपन शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हमें इसमें भी करना है। तो मेरे कहने के अनुसार उन्होंने थोड़ा प्रयास किया और 5वीं कक्षा के अंदर श्रव्य दृश्य वीडियो ऑजल वीडियो और ऑडियो एड्स बनाई उन्होंने, और उसमें ऐसा करा कि जैसे ही इज गोइंग तो ही जैसे बोला तो HE लिखा हुआ आएगा, इज IS गोइंग GOING, तो एक तरफ किताब चल रही है एक तरफ आपका एक एक वर्ड आ रहा है और साथ ही साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही आ रहा है। तो निश्चित रूप से इससे बच्चे के अवचेतन मन में भी जिज्ञासा रहती है और अवचेतन मन भी उसका साथ देता है, तो वह बच्चा बहुत जल्दी अंग्रेजी को बोलना सीखता है। तो ये उस अध्यापक का एक नया अनुभव था। साथ ही साथ उस अध्यापक ने अपने मेघाथला के अंदर जो प्रार्थना सभा होती है उस प्रार्थना सभा में सभी कमांड जितने भी हैं वो बच्चों के द्वारा अंग्रेजी में दिए जाते हैं। तो वहां जो 5वीं तक का विद्यालय है अंग्रेजी में कमांड मिल रहे हैं डेली, तो आप ये सोचिए कि कितने सेंटेंस उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से याद हो गए। अच्छा, उनकी जो गेट है विद्यालय का गेट उस पर लिखा हुआ है GATE गेट, हैंडपंप है तो हैंडपंप पे HANDPUP PUMP लिखा हुआ है, इसी तरह सीढ़ियां है तो वहां स्टेयर्स लिखा हुआ है, दरवाजा है तो डोर लिखा हुआ है, विंडो है तो विंडो लिखा हुआ है। लर्निंग लर्निंग हाँ प्लेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है सर पूरा। आपके आपने हाँ जी बताओ जब प्रधानाचार्य जब आप विद्यालय में कार्यरत थे तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपने लाया अपने स्कूल में, वो था बच्चों की कैंटीन और उसका संचालन बच्चे ही करेंगे और बिल्कुल सही उसको भी बात है। आपने सोशल कॉज के साथ जुड़ा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सुनर्स हैं उनको बताएं, अपने स्कूल का भी नाम बताएं और बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने ये कैंटीन बच्चों की शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल रंजन साहब, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और ये मैं वास्तव में शेयर करना भूल जाता, आप नहीं बताते तो। हमारे वहां पर क्या होता है कि 1ली से 8वीं तक हर एक स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना होती है, मिड डे मील की। तो 1ली से 8वीं तक के बच्चे तो मिड डे मील इंटरवेल के दौरान करते ही है, परंतु 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो एक तरह से इस मध्याह्न भोजन में शामिल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना समय जो है एक तरह से वेस्ट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय जो था नाल हलकर वहां से लगभग 500 मीटर दूरी तक कोई दुकान नहीं थी, तो वो बच्चे क्या होते थे जब उनको भूख लगती थी तो वो आसपास की दुकानों पर जाते थे। तो वो दुकानें दूर होने के कारण क्या होता था कि वहां जब पहुंच के वापस जब विद्यालय आते तो वो लेट हो जाते थे, और उस लेट होने के चक्कर में काफी विद्यार्थी क्या होते थे कि लेट हो गए, घंटी बज गई तो वो रास्ते में से ही वापस घर को चले जाते थे। और साथ ही जब दुकानें एक दो ही थी तो विद्यार्थी जब 9वीं से 12वीं तक के जाते थे तो वहां पर जो दुकानदार थे वो भी थोड़ा अनइजी फील करते थे, क्योंकि उनका सामान तो कम बिकता था परंतु उनको ज्यादा ये ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं कोई बच्चा
हमारे यहाँ से कोई चीज उठा न ले, बिना मूल्य चुकाए उठा न ले। तो ऐसी स्थिति में उनकी भी हमारे पास रिपोर्ट आती थी कि आपके इंटरवल के दौरान थोड़ा सा हमें असहजता महसूस होती है, तो आप इसको थोड़ा सा चेकआउट करें। तो मैंने इन बच्चों को पीटीआई जी हमारे जो थे महिला थी अनीता जी गढ़वाल, उनको मैंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना, बाहर भेजने से निश्चित रूप से हमारे आसपास के दुकानदार जो है उनको दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा सर अपन इनको यही रोक लेते हैं, तो रोक लिया जी उनको। परंतु मैं जब एक बच्ची को देख रहा था तो पहली से आठवीं के बच्चे तो भोजन कर रहे हैं, परंतु नवीं से बारहवीं के कुछ बच्चे ऐसा महसूस कर रहे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे ये बच्चे भूखे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और बाहर जाते हैं तो शिकायतें आती है, अब क्या करें। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मैंने मन में निर्णय किया क्यों ना हम हमारे यहाँ पे कैंटीन स्थापित करें। तो मेरे जो प्रथम सहायक थे अरविंद जी आमेटा, उनको मैंने बुलाया कि अरविंद जी हमें इस बारे में कुछ करना है। तो अरविंद जी ने भी अपना सुझाव दिया, सर कर तो सकते हैं। तो मैंने कहा अपन ऐसा जी करते हैं, हमारी स्टूडेंट यूनियन बनी हुई है, उस स्टूडेंट यूनियन में ऐसे होशियार बच्चे हम सेलेक्ट करें जो गणित के मामले में होशियार हो, कैलकुलेटिव अच्छे हो, किसी चीज को जिम्मेदारी के साथ कर सकें, ऐसे बच्चे चाहिए हमें। तो हमने इसमें हमारे पीटीए की जो मैडम थी उनका भी सहयोग लिया। तो उन्होंने कहा सर दो बच्चियां मेरे पास ऐसी ध्यान में है, आरती मीणा और पूजा मीणा, जो नवी कक्षा में अध्ययनरत है, गणित के मामले में भी बहुत होशियार है, पढ़ने में भी होशियार है, और वो समय का प्रबंधन प्रबंधन भी अच्छा करती है, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रखती है, तो वह हमारे इस काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। तो मैंने उनको कहा जो अनीता जी गढ़वाल थी हमारी पीटीआई, कि आप ऐसा करिए उन बच्चों की कंसेंट लीजिए, क्या वो इस काम को करने के लिए तैयार है। तो वो चूंकि छात्र संघ से जुड़ी हुई थी और जिम्मेदार थी, तो उनको जब ये प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने कहा कि मैडम कर तो लेंगे, थोड़ा आपका सहयोग चाहिएगा। तो फिर मैडम ने मेरे को आके कहा कि भाई वो करना तो चाहती है परंतु वो कह रही है कि मैडम आपको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने कहा पीटीए मैडम आपको मैं इंटरवल के दौरान टोटल फ्री करता हूँ, आप इन बच्चों के साथ मिलकर इनकी कैंटीन की व्यवस्था एडजस्ट करें। तो बहुत ही शीघ्र, हमने सोचा नहीं, उससे कम समय में कैंटीन की स्थापना हो गई और कैंटीन चलने लगी। परंतु उन बच्चों ने एक जो अच्छी बात कही कि सर हमें इससे जो लाभ प्राप्त होगा कैंटीन चलाने से, उस लाभ में से आधा पैसा जो है हम गरीब बच्चों को, हमारे जो भाई बहन है गरीब भाई बहन, उनमें किसी न किसी रूप से बांटना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी भावना उनकी हमारे सामने आई और मुझे लगा कि इनके माता पिता ने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि ये दूसरों के भले का सोचते हैं, समय अपना लगा रहे हैं, परंतु जो लाभ हो रहा है कि आधा लाभ सर हम रखेंगे परंतु आधा लाभ जो है हमारे इन गरीब बच्चों में हमें इसको बांटना है। तो बहुत अच्छा लगा हमें, और निश्चित रूप से जब उन बच्चों ने उस काम को किया, पूरे दिल से किया, और साथ ही साथ नवी से बारहवीं तक के और इवन स्टाफ के जो साथी थे वो भी उस कैंटीन से खरीदारी करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखे, बिस्किट्स रखे, नमकीन रखी, साथ ही बच्चों के पेन पेंसिल ये सब रबड़ वगैरह सब रखे हमने। तो स्क्रीन हमारे पे जो फोटो जो आ रही है वो उसी कैंटीन का है जो दिख रहा हाँ ये है कैंटीन ना? कैंटीन का शुभारंभ हो रहा है, और ये दोनों जो बच्चे आप आगे देख रहे हैं इस फोटो में, ये पूजा मीणा और आरती मीणा है जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित किया। और इनके साथ जो एक अध्यापिका जी नजर आ रही है वो अनीता जी गढ़वाल है, जिन्होंने इनको बरोबर संबल प्रदान किया, इनके साथ वो बैठ के इनको तैयार करती और पूरा हिसाब रखवाती थी। और हमारे ये स्टाफ के कैंटीन आपने साथियों ने कब शुरू किया था सर? कैंटीन हमने चालू किया था, ये करीब अक्टूबर नवंबर के आसपास स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छा चला ये। किस वर्ष और पर? ये 2019 में किया था हमने, नहीं 2018 में किया था, 2018 में किया था, और इसमें काफी बच्चों को बहुत अच्छा महसूस हुआ और हर बच्चा जो जी है वो यहाँ से बिल्कुल, खरीदारी करता था। एक काफी यूनिक है इनिशिएटिव, और मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में भी बहुत देखता हूँ, और भी देश भर के स्कूलों में जहाँ भी काम किया वहां भी मैंने देखा कि आधी छुट्टियों में खास करके हाई स्कूल्स में बच्चे बाहर निकलते हैं और दुकान में लाइनें लगती है, पता नहीं कई तरह के नशा पान और बहुत सारी चीजें भी लोग पास के दुकानों में बेचते हैं। उनके लिए एक आइडिया है जो सर ने किया है अपने स्कूल में, स्टूडेंट्स कैंटीन, और उसमें जो कर क्या रहे हैं सर कि
उसमें थोड़ा सा कम रेट पे, मतलब बच्चों को कम से कम 10% की छूट के साथ थोक में सामान वो बच्चे खरीद के लाते हैं वहां से टीचर्स की मदद से, और एक दो बच्चे जो है उसका संभालते हैं, वो उसके लिए 1 घंटा समय निकालते हैं, और उसकी जो कोई भी आय होती है, जो भी हमारा एक तरह से यूं कहें कि प्रॉफिट होता है, उसका 50% जो हिस्सा है वो उन बच्चों को डोनेट करते हैं जिनको जरूरतमंद होते हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है। एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसे देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा आइडिया है। फिर हमने बात की, हमने टीचर की बात की, हमने स्कूल के लेवल की कॉम्पिटिशन की बातें की, हमने बच्चों की बातें की, हमने बतौर स्टूडेंट यूनियन कैंटीन की बातें की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपकी पहचान के तौर पे मैं मानता हूँ वो है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो स्कूलों में काम करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए आपके काम करने से लर्निंग आउटकम पे क्या असर हुआ, तो कई बार वो असहज महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास कोई उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता उस तरह से। उनके पास केवल वार्षिक परीक्षाओं का एक रिजल्ट शीट ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, और कई बार वो विधिवत उन्होंने क्या प्रयास किए हैं वो भी नहीं पता चलता। आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शिद्दत के साथ इस काम पे काम किया है कि कैसे हम मेजर करें, कैसे हम असेस करें बच्चों को, कैसे हम देख पाए कि बच्चों का लर्निंग लेवल कैसे बढ़ा। मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव बताएं कि आपने इसकी जरूरत क्यों समझी और उसके लिए क्या किया। रंजन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हर अध्यापक बहुत अच्छा काम करता है, परंतु कुछ ही अध्यापक होते हैं जो अपने कार्य को निश्चित रूप से बता पाते हैं। और आपने जहां तक कहा है कि हमने इस चीज को क्यों महसूस कराया कि लर्निंग आउटकम्स बढ़ाए जाए, तो मैंने जैसे ही पीओ के पद पर मेरा पद स्थापन हुआ तो मैंने प्रथम माह में ही अपने पीओ क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का दौरा किया, तो वहां पर मैंने महसूस किया कि बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास का उस बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ ही बच्चे हैं जिनका स्टैंडर्ड है और बाकी जो बच्चे हैं उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जिस क्लास का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसको देखते हुए मेरी ये प्लानिंग शुरू से थी कि मेरा ये जो नाल हलकर क्षेत्र जो मुझे मिला है, ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जिस क्लास के अंदर अधिकारी पहुंचना है तो उस बच्चे को इतना हर बच्चे को आना चाहिए जो उस क्लास का लेवल है। तो इसके लिए हमने ये योजना बनाई थी और हम इसमें आप सबके आशीर्वाद से सफल रहे, और इस योजना को हमने आगे, हमारे एक एनजीओ ग्रुप था विद्यालय उद्यम, जिसके हमारे साथी थे अश्विनी जी तिवारी और कोमल जी राय, तो उनके साथ हमने एक बार शेयर किया तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, और वो चूंकि हमारे इस नाल हलकर में पहले भी काम कर चुके थे और अब जब वापस आए थे तो उनको काफी अंतर महसूस हो रहा था। तो वो ये कहते थे पहले यहाँ पर ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता था और अब यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत कम हुआ है और बच्चे विद्यालय आने में इंटरेस्टेड हुए, जबकि पहले ये होता था कि हमारे वहां से काफी सारे बच्चे कुछ चावंड जाते थे, कुछ प्रसाद जाते थे, परंतु अब ये हो गया कि गांव के जितने बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय से कनेक्ट होने लगे और उनके माता पिता भी हमारे साथ जब मिलते तो निश्चित रूप से माता पिता को भी हमने पूरा सम्मान दिया। तो जब माता पिता को सम्मान दिया और बच्चे को सुव्यवस्थित अध्ययन मिला तो निश्चित रूप से वह परिवार हमारे साथ जुड़ा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जितने पेरेंट्स वहां पे आते थे बच्चों से संबंधित जानकारी लेने, तो वो इतने खुश होते थे कि हमारी अक्षय पेटिका रखी हुई होती थी तो उसमें कुछ ना कुछ डालना चाहते थे, परंतु मैं उनको ये कहता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा आप विद्यालय को कुछ नहीं देंगे, आपका आशीर्वाद दीजिए, बाकी आप पदार्थें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और अगर वो यहाँ पर 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये डाल देंगे तो निश्चित रूप से उनकी गुजारे में कहीं कहीं दिक्कत आएगी। और 15 अगस्त 26 जनवरी को भी मैं मेरे उद्बोधन में यही कहता था कि आपके पास अतिरिक्त हो बिल्कुल तो उसमें भी मिनिमम यहाँ पर दान करिए, मैक्सिमम दान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक मेरा एक थोड़ा सा उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव भी हो गया कि ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं कहता है, क्योंकि हर प्रिंसिपल ये प्रयास करता है कि कोई समाज से हम ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग प्राप्त कर सके, परंतु मैंने उस गाँव पे डिपेंडेंसी न रखकर आसपास के जो संपन्न गांव थे या उदयपुर शहर था वहां पे अपने इस कार्य को ज्यादा शिद्दत से करने का प्रयास किया और मुझे सफलता मिली
लगभग 15 माह के अंदर हमने लगभग 6 लाख का कार्य करवाया, और वो सब जन सहयोग से करवाया। और वो उसमें उस गांव का योगदान हम माने तो लगभग न चाहते हुए भी हमारे गांव वालों ने काफी सहयोग दिया, और करीब 30 से 40 हजार रुपए उस गांव का मान सकते हैं, बाकी सब दूसरे गांवों के या दूसरे हमारे उदयपुर शहर के दानदाताओं ने दिया। बिल्कुल। और जैसे ही बात हुई कि दानदाताओं की बात हुई, दान भामाशाहों की बात हुई, तो आप अपने विद्यालय के ओवरऑल स्कूल डेवलपमेंट के लिए पुराने विद्यार्थियों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप कुछ ऐसी भी कोशिशें कर रहे हैं जिससे विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो, खास करके चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो या बाकी चीजों का। मैं चाहूंगा कि विद्यालय के विकास में पुराने विद्यार्थियों की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। रंजन साहब, आप जो पुराने विद्यार्थी कह रहे हैं वो तो हमारे विद्यालय की लाइफ लाइन है, उनसे हम वह सभी कार्य करवा सकते हैं जो हमारे लिए एक तरह से बहुत टिपिकल कार्य है या हमारे लिए समस्या है कि ये काम कैसे करें। तो हमारे उन पुराने विद्यार्थियों के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो तो बातों बातों में काम हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान विद्यालय सनवाड़ जहाँ मैं कार्यरत हूँ, तो वहां पर पूर्व छात्र परिषद का हमने गठन किया है, तो पूर्व छात्र परिषद के सहयोग से हम एक प्रयास कर रहे हैं नगर पालिका के साथ जुड़कर कि हमारे पास जो करीब 10 बीघा से ज्यादा का ग्राउंड पड़ा हुआ है, और उस ग्राउंड में हमारे पुराने जो प्रधानाचार्य जी थे रामेश्वर जी विजयवर्गीय, उन्होंने उस ग्राउंड की चारों तरफ बहुत अच्छी बाउंड्री करवाई, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, परंतु उस ग्राउंड की कोई यूटिलिटी नहीं हो पा रही है। तो हमने उस ग्राउंड को ऐसा डेवलप करने का प्रयास किया, हमारे पीटीए जी हैं राजेंद्र जी गुसर जो वर्तमान में बहुत अच्छे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है जो अभी हमारे वर्तमान विद्यालय है, तो वहां पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा ग्राउंड है जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा था, उसको हमने एक व्यवस्थित 200 मीटर का ट्रैक बनवा रहे हैं, जहां पर सवेरे शाम युवा है या हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सुरक्षित माहौल में वहां पर प्रातःकाल सायकाल भ्रमण करें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम एक जिम नगर पालिका के सहयोग से स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि युवाओं का हमारे लिए वहां पर एक जिम की व्यवस्था मिल सके, और जो जिम रहेगा ओपन जिम है, तो निश्चित रूप से ज्यादा युवा वर्ग हमारा खुले आकाश तले इस योगिक क्रियाओं को कर पाएगा। एक हम उसमें बच्चों के लिए और खास तौर से हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए हम एक पार्क बनवा रहे जा रहे हैं, जिसके अंदर स्लाइड्स भी होगी, स्विंग्स भी होंगे, और बच्चों की जितनी मनोरंजन के उपकरण है उसमें लगे हुए होंगे। ये सब काम हम नगर पालिका के सहयोग से करने जा रहे हैं, और नगर पालिका में हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है राजेश जी चपलोत, वो हमारे का इसमें काफी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्थिति है, जो ट्रैक और ये जो जिम और जो गार्डन है, इसके अतिरिक्त जो जगह है उसमें हम एक फुटबॉल ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड पहले बना हुआ है, उसको थोड़ा सुव्यवस्थित कर रहे हैं उसको, और साथ ही साथ उसमें हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व विद्यार्थी जो हमारे हैं उनकी जो संगठन बना हुआ है वो वहां पर सोशल एक्टिविटी के लिए उस प्लेस को अपने जैसे किराए पे देना है तो किराए पे दे, और जो किराए की राशि उनको प्राप्त हो न्यूनतम किराया रखे, ताकि हमारे आम जनता को हम कम पैसों में अधिकतम सुविधा दे सकें, क्योंकि आज वाटिका वगैरह करते हैं तो लाख लाख रुपए लगते हैं, तो हमारे 5-10 हजार में भी अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से हमारे जो आम जनता है उसको हम कम पैसे के अंदर ज्यादा सुविधा दे पाएंगे, और उस ग्राउंड में हमारी इस तरह की एक्टिविटीज हो जाए ताकि वहां पर जो रिवेन्यू जनरेट हो वो उस विद्यालय के डेवलपमेंट में उस पूर्व छात्र परिषद के माध्यम से ही काम में आए, ताकि स्टाफ को कोई अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं, कोई अलग टीम लगाने की जरूरत नहीं, ये पूर्व विद्यार्थी जो है इनका संगठन है, इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से करें, तो उनको भी लगेगा कि हमारा विद्यालय पे इतना हक है कि हम विद्यालय की जो जमीन है उसको हम हमारे हाथों से उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेरा एक विशेष प्रयास है। काफी, और मुझे लगता है कि ये जो बातें कि पूर्व विद्यार्थियों के साथ साथ में आपने समाज के जो और बहुत सारे शिक्षक की कर रहे होंगे, लेकिन अप्रोच देखिए, अप्रोच है कि आइडेंटिफाई करिए। कई बार हम बातें करते हैं शिक्षकों से या स्कूलों से तो उनको वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन उनकी क्या मदद करे, किस चीज में उनकी मदद चाहिए होती है,
वो आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि नगर पालिका से कैसी मदद मिल सकती है, पूर्व विद्यार्थियों से कैसी मदद मिल सकती है, गांव वालों से कितनी मदद मिल सकती है, ये एक अप्रोच है। और साथ ही साथ में पुराने विद्यार्थियों को कैसे स्कूल के साथ जोड़ के आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसमें कुछ सफलता मिलना बाकी है। एक जो एक आखिरी प्रश्न है कि सर आपने नई शिक्षा नीति के लेकर भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने कई सारे सुझाव भी दिए हैं, कई सारी चीजों को लोगों ने काफी सुना भी है, थोड़ा उसके बारे में बताते हुए ये बताएं कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस नई शिक्षा नीति से जो आने वाले समय में लागू होने वाली है। नई शिक्षा नीति में मैं खास तौर से दो चीज ही चाहूंगा कि आज हमारा जो शिक्षक है निश्चित रूप से जब तक उसका चयन नहीं होता है सरकारी सेवाओं में बहुत मेहनत करता है और काफी क्षमतावान और मेहनती होता है, परंतु जब सेवा में जुड़ जाता है सरकारी सेवा में उसके बाद उसका अध्ययन का जो क्रम है या तो शिथिल हो जाता है या बंद हो जाता है, दोनों में से एक ही होता है, उतना नहीं रह पाता है जितना पहले था, ये एक कटु सत्य है। और उसी के कारण उसकी क्षमता जो है धीरे 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 कमजोर होती चली जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष परीक्षा होती है इसी तरह से शिक्षकों की भी एक परीक्षा हो और उसमें उनको ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड डिवीजन लाया जाए, उसको क्वालिफाई करना जरूरी करें ताकि हर टीचर मिनिमम कम से कम स्टडी तो करे ताकि अपडेट रह सके और समाज के पास जितना अपडेटेड शिक्षक जाएगा तो निश्चित रूप से समाज पर प्रभाव पड़ेगा और एक सरकारी शिक्षक के प्रति जो उनकी धारणा है वो बदलेगी। तो ये मेरा एक पहला सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा कि कोई भी पुरस्कार जब निकलता है तो और ये थोड़ा मुझे कुछ कम समझ में आया क्योंकि हमारे जितने अधिकारी हैं वो जानते हैं कौन शिक्षक अच्छा काम कर रहा है, कौन प्रधानाचार्य अच्छा काम कर रहा है, कहाँ अच्छा कार्य हो रहा है, तो वो खुद अधिकारी ही है उस चीज को आगे ले जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक टीचर अपना बायोडाटा भर के दे और फिर बाद में उस फाइल के पीछे लगे, इससे बढ़िया तो ये रहेगा कि अधिकारी खुद पहचान करे अच्छे शिक्षकों की, तो वो ज्यादा अच्छा मूल्यांकन कर पाएंगे। ये मेरे दो सुझाव हैं। अभी जैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, हमारे पास इतने अधिकारी हैं वो जानते हैं कौन अच्छे टीचर है, तो वो अच्छे टीचर के नाम आगे प्रस्ताव करें और उसका एक कोई फॉर्मेट बन जाए, उस फॉर्मेट के अनुसार आगे भेजे तो बिना किसी झंझट के शिक्षक अपने कार्य पर केंद्रित रहते हुए अच्छे काम वाले टीचर सम्मानित हो पाएंगे। बाकी क्या होता है कि सम्मान के पीछे भी काफी उनकी भागदौड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आप शिक्षक का समय कहीं किल करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी का लॉस कर रहे होते हैं और हमारे विद्यार्थी का लॉस अनेक कारणों से हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारी बातें की, हमने केवल आज फोकस किया था कि अप्रोच को जान सके कि एक बताओ एक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के नाते कई सारे लोग हैं जो काम करते हैं उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, उस अप्रोच का आपने बहुत बखूबी बताया, शिक्षकों के कॉन्टेक्स्ट में बताया आपने, स्कूल आप आस पड़ोस के स्कूलों के संदर्भ में बताया आपने, बच्चों के हिसाब से बताया आपने, समाज के हिसाब से बताया आपने, पुराने विद्यार्थियों के हिसाब से बताया और कई सारी चीजें बताते बताते आपने ढेर सारे आइडिया शेयर किए। सर इतना सब कुछ काम करते हैं अपने को कैसे फिट रखते हैं, कैसे आप तरोताजा, मैंने आप सुना कि आप योग शिक्षक भी हैं, थोड़ा बताइए कि सर आप अपने को कैसे एक ताजा रखते हैं, अपने को कैसे एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। रंजन साहब बिल्कुल सही बात है, जब हम ज्यादा कार्य करते हैं तो हो सकता है मानसिक थकान हमें ज्यादा हो जाए और जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो निराशा भी आती है, बिल्कुल सही बात है। परंतु योग जो ऐसा है, योग हम प्रतिदिन जब मैं करता हूं तो मुझे हमेशा ताजगी महसूस होती है और साथ ही साथ अध्यात्म जब उसमें जुड़ जाता है तो कोई भी निराशा कभी नहीं हो पाती है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं रास्ता नजर आ जाता है। बाकी क्या है, जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, मैं विड्रॉ नहीं करता हूं, मैं उसके साथ उसको कैसे क्रैक करना है, कैसे आगे बढ़ना है उसके प्रति सोच पाता हूँ और जब योग के साथ जुड़ा हूं तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा समान ही रहता हूँ, न तो कभी ज्यादा खुश होता हूँ न कभी ज्यादा निराश होता हूँ, बिल्कुल हमेशा ऐसा कैसे ही रहता हूँ। एक मैं घटना आपसे शेयर करना भूल गया कि अभी जिस विद्यालय में मैं गया था
मेरे ज्वाइन करने के करीब 4-5 दिन के बाद की बात है, छुट्टियां खत्म हो गई थी और उसके बाद स्कूल चालू हुआ था। तो मैं इंटरवल के दौरान अपना लंच समाप्त करके थोड़ा बाहर की तरफ गया था। तो जैसे ही हमारा इंटरवल खत्म हुआ तो हमारे विद्यालय के 3-4 विद्यार्थी जो बड़ी क्लास के थे वो बाहर की तरफ से कहीं ये पानी पूरी वाले थैला लगाते हैं, तो वहां जैसे घंटी लगी तो पानी पूरी खत्म करते ही वो वहां से भाग कर मेरे विद्यालय पहुंचे। और चूंकि पानी पूरी थोड़ी तीखी होती है तो वो आते ही नल पर गए और नल में पानी नहीं था, नल में पानी समाप्त हो चुका था। तो मैंने उस घटना को जब देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूं और मेरा बच्चा प्यासा है। मुझे बहुत पीड़ा हुई और उसी समय मैंने मेरे जो प्रथम सहायक हैं और जो खास विद्यालय के जो जीवंत जो शिक्षक हैं उनके साथ मैंने चर्चा की कि मुझे आज जो घटना मिली है उससे काफी पीड़ा हुई है और हम ये प्रयास करें कि हमारे यहाँ पर 2,000 लीटर पानी एवरी टाइम रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया और मैंने मन में ये संकल्प भी किया कि मुझे सप्ताह भर में इसको कैसे न कैसे करना है, और नहीं होगा तो मैं गांठ से करूंगा पर करना ही से, कि मेरे पास 2,000 लीटर पानी की व्यवस्था एट ए टाइम होनी चाहिए। तो हमने उसी दिन हमारे शिक्षक जो है सुरेश जी खटीक है, प्रथम सहायक है, बहुत अच्छे मेहनती जो शिक्षक हैं, उनके साथ जुड़कर हमने नगर पालिका से संपर्क किया। और फिर एक हमारे जो प्रेरक शिक्षक है, शिक्षिका है बहन कृष्णा जी माहेश्वरी, उनसे भी हमने कहा तो उन्होंने नगर पालिका से अपना जो उनके हस्बैंड है उनके संपर्क से उन्होंने इस स्वीकृति को कराया और जो मेरा निर्धारित समय मैंने सोचा था उससे पहले ये काम हो गया और मेरे आज उन विद्यार्थियों को पानी की कोई चिंता नहीं है। तो ये एक छोटा अपन प्रयास करते हैं, संकल्प लेते हैं तो काम हो जाता है, ये मेरा मानना है। परंतु उसके लिए हमें यही है कि बच्चों के स्तर पर जाकर बच्चे की समस्या को जानना पड़ेगा। हम अगर एक चैम्बर प्रिंसिपल चैम्बर में बैठ के बच्चों के हित की बात करें तो संभव नहीं है। बच्चों के साथ जुड़कर बच्चों की परिस्थितियों के जानकर ही हम बच्चे के साथ ज्यादा अच्छा न्याय कर पाएंगे। बिल्कुल, आपके लिए सर एक पत्र है और वो पत्र हमारे पास आया, विशाल मीना है, 11वीं के विद्यार्थी, उन्होंने 23/11/2019 को एक पत्र लिखा था। 23/11/2019, हाँ, इस समय मेरा उस विद्यालय से स्थानांतरण हो चुका था और मैंने अभी वर्तमान विद्यालय में 16/10/19 को ज्वाइन किया है। तो निश्चित रूप से जिस समय ये पत्र लिखा गया उस समय मैं वहां नहीं था। हाँ जी सर, तो बताइए। वो पत्र मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि नाल हलकार स्कूल में मैं एक अच्छे प्रधानाचार्य जी मैं एक अच्छे प्रधानाचार्य जी सर थे जिन्होंने गांव को आगे बढ़ाया और नाल हलकार स्कूल की हर तरह की समस्या दूर कर दी, जिन्होंने समय के पावन के हिसाब से स्कूल में एक बेल सायरन लगाया, बच्चों के सही तरीके से पढ़ाई व नजर एवं बच्चों की प्रगति जानने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाए, स्कूल को अनुशासन के हिसाब स्कूल जो है हिसाब से चलता था, कक्षा के बाहर या ग्राउंड में जहां कहीं भी जगह मिली वहां पे पौधे लगवाए, स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। ऐसे थे यहाँ के प्रधानाचार्य जी उमेश जी माहेश्वरी, जिन्हें आज भी आम जनता नाल हलकार की उन्हें याद करती है। ये विशाल मीना की एक पत्र मुझे एक व्यक्ति ने भेजा जो आपके शुभचिंतक है। ये जस्ट एक मैसेज है कि आपने क्या काम किया है सर, नो डाउट। और हमने इसलिए ज्यादा बहुत ज्यादा क्योंकि आपकी दैनिक गतिविधियां भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इंटरेस्टिंग होगी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने अनुभव भी हमें शेयर करें लिख के। और आज की बातचीत में हमने जो कुछ प्रमुख चीजें जो जानी, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको, कि एक तो है पहला कि स्कूल लेवल पे टीचर्स मोटिवेशन और खास करके एचएम प्रिंसिपल जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशंसा नहीं मिलता शिक्षकों को, बताने वाला भी नहीं मिलता कि उनकी समस्याएं क्या है, कठिनाइयां क्या है, उससे कैसे बाहर निकले। आप उस पर काम, स्कूलों के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए आपने काम किया, पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताएं हो, ये की मैसेज है। उसके लिए अलग अलग गतिविधियां होनी चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो जरूर मिले पंचायत स्तर के स्कूल। आपने कमजोरी की परिभाषा बदली कि बच्चे कमजोर नहीं होते, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा उसका दक्षता लेवल उस तरह का नहीं है तो भी उन्होंने एक नोशन बनाया, एक अवधारणा बनाई कि हमारा सबसे कमजोर बच्चा भी वैसा हो जिसको लगभग सारी चीजें आती हो।
आपने सोसाइटी के बीच में काम करते हुए अटेंडेंस और इनरोलमेंट को भी इम्प्रूव करने के ऊपर काफी काम किया, लर्निंग आउटकम को मेजर कैसे करें, ये इस चीज को लेकर भी आपका काम रहा है। और एक जो की मैसेज है कि शिक्षकों को अपने काम को खास करके लर्निंग आउटकम के हिसाब से क्या हो रहा है उसको ट्रैक करना चाहिए, उसके लिए विधिवत प्रयास करना चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको सर के रिसर्च पेपर भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बतौर प्रिंसिपल आप नए नए नवाचार करते रहे हमेशा, और खास करके स्टूडेंट यूनियन कैंटीन की स्थापना की, स्कूल के बच्चों को बाहर के दुकानों में न जाना पड़े, लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, वो स्कूल में ही बच्चे कैंटीन को चलाए, और उस कैंटीन को इन्होंने जो चलाया उसमें से आधे पैसे गरीब बच्चों को दिए गए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था। तो हमारे स्कूल के टीचर्स जो है शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने स्कूल में भी, और शायद उससे एक बहुत अच्छी भाव आएगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज था जो एचएम और हमारे प्रिंसिपल है उनके लिए कि निंदा आप अकेले में करें, निंदा नहीं, कोई भी क्रिटिकल फीडबैक हो आप टीचर्स को अकेले में दीजिए, सम्मान सार्वजनिक रूप से करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पुराने विद्यार्थियों को अपने स्कूलों के साथ जोड़े बहुत जरूरी, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति जैसा कर सकता है वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करें, उसको स्कूल के साथ जोड़े, निश्चित तौर से वो जुड़ेगा। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी जो आपके एक्सपेक्टेशन थे उसको भी आपने शेयर किया, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद हम सबके लिए यूजफुल होगा। हमने जस्ट समराइज किया कि ताकि जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको समझ में आ जाए। आखिरी में कोई चीज जो आप बोलना चाहते हैं उमेश जी? रंजन साहब, मैं यही चाहूंगा कि आज का जो हमारा लगभग एक घंटे का ये कार्यक्रम हुआ, हर एक शिक्षक इसमें से कोई न कोई एक काम जरूर करें ताकि ये जो हमारा समय है ये किल नहीं हो, एज ए इन्वेस्टमेंट हो और हर विद्यालय अच्छा प्रगति करे, यही चाहूंगा। रंजन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सरकारी स्कूल के बारे में मैं चाहूंगा कि एक तो ओवरऑल सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों की बड़ी निगेटिव धारणा रहती है, तो उसके बारे में आपके कथन और साथ ही साथ में आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई टिप्पणी? सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है जहां बच्चे का हर कम्युनिटी के साथ, हर आयु वर्ग के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव होता है और बहुत अच्छा सामंजस्य बनता है। सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी असफल नहीं होता है। आप आज देख रहे हैं डिप्रेशन की स्थिति देख रहे हैं, आत्महत्याओं की स्थिति देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे जैसा मैंने करा है तो ज्यादातर विद्यार्थी निजी क्षेत्रों या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं जो आगे जाकर इस कृत्य को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज की विपरीत परिस्थितियों के साथ उतना सामंजस्य नहीं कर सकते हैं जितना एक सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी सामंजस्य कर सकता है, क्योंकि उसको शुरू से ही सामंजस्य करना होता है तो उसकी आदत में हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई विपरीत परिस्थिति इतनी टिपिकल नहीं होती है कि वो डिप्रेशन में आए या सुसाइड करे। तो जैसा हम देख रहे हैं आज की स्थिति, ये जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, इसमें मैं सबसे अच्छा मानता हूँ सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं और हमारे जो सरकारी शिक्षक हैं उन पे विश्वास करें, और आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बाद बच्चे के साथ जितना जुड़ते हैं उससे अगर आधा भी अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने विद्यार्थी अपने बच्चे से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आप वहां पर 90% ला रहे हैं, तो यहाँ आधे जुड़ने के बाद 95% आप अपने बच्चे के महसूस कर पाएंगे, ये मेरा एक विश्वास है। और आज की बातचीत के बारे में कोई टिप्पणी सर आपकी? आज की बातचीत रंजन साहब बहुत अच्छी रही और मुझे भी आपसे काफी सीखने को मिला और मेरी जो मन की बात थी वो कहने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हर एक शिक्षक के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो सकती है, देश को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो सकती है, परंतु ऐसा मंच मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे हर शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, वहां से कुछ सीख सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया और आपने अपने अनुभव शेयर किए, आपने जो काम किया वो शेयर किया, और मैं आज काम की थोड़े कम अप्रोच की ज्यादा फोकस कर रहा था, और निश्चित तौर से उमेश माहेश्वरी जी जैसे शिक्षक हमारे लिए एक रोल मॉडल है जो हमें एक तरीका सुझा रहे, उसमें सफलता असफलता कितनी है नहीं पता, लेकिन इतनी जरूरी है इस माइंडसेट के साथ हम अगर काम करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सर आपने समय दिया, हमें तो अंदाजा भी नहीं चला कि एक घंटा बीत गया। आप सरकारी स्कूल के मंच पे आए, आपने अपनी बातें की, हमें बहुत काफी हमारे लिए एक लर्निंगफुल एक्सपीरियंस रहा। आपका बहुत बहुत आभार, और लोगों से निवेदन है कि आप सरकारी स्कूल
के साथ ऐसे शिक्षकों की कहानी, ऐसे समाज के लोगों की कहानी, ऐसे बच्चों की कहानी जो आपको लगता है कि किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, आप जरूर साझा करिए। और आज की बातचीत के बारे में आपके कुछ फीडबैक हो तो जरूर हमें बताएं, और इसी तरह से जुड़े रहिए। अभी हम थोड़ी देर के बाद मध्य प्रदेश के कुछ उन बच्चों से मिलेंगे जो सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए पूरे राज्य के टॉप 10 में एक ही स्कूल से 6 बच्चे चुने गए हैं, ऐसे हम स्कूल से मिलने वाले हैं। तो आप उस कार्यक्रम से जुड़िए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। पुनः दर्शकों का भी बहुत बहुत।